తన ఇంటిపై దాడి జరగడం ఇది నాలుగో సార్ అన్నారు ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ నాథూరామ్ గాడ్సే సిద్ధాంతాలు నమ్మే వ్యక్తులే తన ఇంటిపై దాడి చేసి ఉంటారని ఆరోపించారు జైపూర్ లో పర్యటన ముగించుకొని ఇంటికి వచ్చేసరికి ఢిల్లీలోని తన ఇంటిపై దాడి జరిగిందన్నారు రాళ్ల దాడిలో తన ఇంటి కిటికీ అద్దాలు పగిలిపోయినట్లు తెలిపారు అసదుద్దీన్ देखिए जब दिन धाड़े जुनैद और नसीर को किडनैप करके उनको पीट कर उनको जिंदा जला दिया जा सकता है तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। और जो भी ये कर रहे हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि उनके पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली उनकी पार्टी सत्ता में है और इसीलिए चाहे जुनैद हो नसीर हो या जहाँ कहीं भी इस तरह से दलितों को आदिवासियों को होता है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी एमपी ज़रूर है मगर अब उनके हौसले बुलंद हैं वो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और उनको लगता है कि वायलेंस के ज़रिए से वो अपने एजेंडे को मुकम्मल कर सकते हैं तो ये चौथी मरतबा मेरे घर पर हमला हुआ है और आप देख रहे हैं कि 10 कदम के फासले पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है और ये बाजू ECI है हाई सिक्योरिटी जोन है इतने कैमराज हैं मगर कल 12:30 बजे DCP साहब आए थे हम उनको ही बोले कि आप देख लीजिए अपने कैमराज में देख लीजिए निकाल लीजिए उनको ये हर बार हमसे होता है पिछले बार पिछली गेट से हम स्पीकर साहब से इजाज़त लेकर पिछली गेट का परमिशन खुलाए क्योंकि एक बार अंदर घुसकर हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं जो 50-60 साल से यहाँ पर राजू साहब को राजू लाल को उन्होंने पीटा था वहाँ पर जाकर उन्होंने यूपी इलेक्शन दौरान में लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करके पत्थर मारे अब ये हो रहा है तो ये मुझे लगता है कि हम लोग और आप न्यू इंडिया देख रहे हैं।